Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So, today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies. And today we will start chapter number 14. And the name of our chapter is Our Earth, Hamari Dharti. Chaliye padhte hain iske baare mein. सम एंड सब्सटेंस इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे आर होम प्लैनेट अर्थ के बारे में, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में आप पढ़ेंगे, प्लेन्स, प्लेट्यू, हिल, माउंटेन, डेजर्ट, वैली, आइलैंड, इन सब के बारे में, और आप पढ़ेंगे वाटर बॉडीज जो धरती पर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे एयर के बारे में. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू डू वन एक्टिविटी. The planet Earth is a happy place to live. Paste the picture of some places do you like most. आपको यहाँ पर उन places की picture paste करनी है जहाँ पर जाना या रहना आपको बहुत अच्छा लगता है. First we will learn about our home planet Earth. हम कहाँ रहते हैं? हम धरती पर रहते हैं, इसीलिए उसे home planet भी कहा जाता है. We live on the planet called Earth. हम जहां रहते हैं, जिस प्लेनेट पर रहते हैं, उसे हम अर्थ कहते हैं. दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है. आवर प्लेनेट इज द ओनली प्लेनेट दैट सपोर्ट लाइफ. हमारा प्लेनेट ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर क्या है, लाइफ है, लोग रह सकते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन लिव ऑन अर्थ. धरती पर जानवर, पेड़ पौधे, इंसान सब रहते हैं. द अर्थ हैज, अर्थ पर क्या है, लैंड है, वाटर है और सनलाइट है, जो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत जरूरी है, लिविंग थिंग्स के जीने के लिए. द शेप ऑफ आवर अर्थ इज लाइक अ बॉल. हमारी धरती कैसे लगती है, एक बॉल की तरह लगती है. और हमारी धरती का जो मॉडल है उसे क्या कहते हैं, ग्लोब. तो ग्लोब में हर एक स्टेट, कंट्री, जितने भी सीज हैं, ओशंस हैं, सब दिखाए हुए होते हैं. तो इसीलिए क्या है, एक मॉडल है हमारे अर्थ का. नाउ वी विल लर्न अबाउट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. वी लिव ऑन लैंड. द वेरियस टाइप ऑफ लैंड फाउंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लैंड फॉर्म. हम जमीन पर रहते हैं और अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स की लैंड फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग तरह की जमीनें होती हैं, जिसे हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं. चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट प्लेन. प्लेन्स आर लो एंड फ्लैट लैंड. प्लेन क्या है, लो और फ्लैट लैंड्स होती हैं. प्लेन्स बहुत यूजफुल होते हैं, किस लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज और रोड बनाने के लिए. द सॉइल इन द प्लेन इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड प्लांट. और जो इसकी मिट्टी होती है वो कृषि करने के लिए, अनाज उगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत अच्छी होती है. और बहुत सारी नदियां बहती हैं यहाँ पे. A large number of people live in village, town and city in the plain. बहुत भारी मात्रा में लोग शहरों में, गांव में रहते हैं. कहाँ पर, plains पर. Now we will learn about plateau. A plateau is land that is higher than the plain but flat on the top. Plateau क्या है, plain से थोड़ी higher होती है और top पर कैसी होती है, एकदम flat होती है. The flat top is called table land. और जो flat टॉप होता है ऊपर का, उसे क्या कहते हैं, टेबल लैंड कहते हैं. इट्स सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स. और यहाँ की जो मिट्टी होती है वो किससे भरपूर होती है, न्यूट्रिएंट्स से. नाउ वी विल लर्न अबाउट हिल्स एंड माउंटेन. वेरी हाई एरिया विद स्टीप स्लोप आर नोन एज माउंटेन. देखिए माउंटेन्स बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंची उनकी चोटियां होती हैं. वाइल लोअर एलिवेशन विद लेस स्टीप slopes are called hills. उन्हें hills कहते हैं. The highest point of mountains are referred as peak. जो mountain की सबसे ऊंची चोटी होती है उसे हम चोटी कहते हैं, जिसे हम English में peak कहते हैं. In very high mountains, the peak remains snow-covered throughout the year. और जो ऊंची-ऊंची पहाड़ों की चोटियां होती हैं, वो पूरे साल किससे ढकी होती हैं? बर्फ से ढकी होती हैं. While the lower region are often covered with forests. और जो निचला भाग होता है वो किससे covered होता है? Forest, जंगलों से. Hill generally have a pleasant climate.
making them suitable for growing fruit, tea, coffee and spices. और जो hills का जो generally climate होता है, मौसम होता है, वो बहुत pleasant होता है. और किस लिए वो अच्छा होता है? Fruits, चाय, कॉफी और मसालों की कृषि के लिए, उन्हें उगाने के लिए. माउंटेन्स रीजन्स टिपिकली हैव ओनली स्मॉल टाउन्स, वहां पर बहुत छोटे छोटे टाउन्स होते हैं. बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवे लाइंस इन दीज एरिया इज चैलेंजिंग ड्यू टू द रग टेरेन, और यहाँ पर सड़कें और रेलवे लाइंस का होना बहुत मुश्किल है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, सड़कें उबड़ खाबड़ होती हैं यहाँ पर. Now we will learn about desert, रेगिस्तान, जहाँ बहुत गर्मी होती है और चारों तरफ रेत ही रेत होती है. A large area of land covered with sand is called desert. और ये क्या होता है? बहुत ड्राई होता है, सैंडी होता है और बहुत ज्यादा गर्म होता है. और यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है. कहते हैं ना, रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मात्रा में बारिश होती है. दिस इज वाई ओनली अ फ्यू पार्ट, इसीलिए यहाँ पर बहुत कम पौधे उगते हैं. जैसे कैक्टस यहाँ पर उगता है. कैमल्स बहुत यूजफुल है, कहाँ के लिए? ट्रेवलिंग करने के लिए डेजर्ट में. एज दे कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर सर्वल डेज, इसलिए क्योंकि ऊंट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है. इसीलिए कैमल को शेप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है. Now we will learn about valley. Valley are those expanses of land that lie between hills or mountain. Hills or mountain के बीच में क्या होती है? Valley होती है. River usually flow through valley. और जो नदियां कहाँ से बहती है? Valley से बहती है. People live and grow crops in valley. Valley में लोग रहते हैं और कृषि करते हैं. Now we will learn about Iceland. Iceland क्या होता है? And Iceland is a piece of land surrounding by water on all sides. एक धरती का टुकड़ा जिसके चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है, उसे हम Iceland कहते हैं. Now we will learn about different water bodies on earth. About 3/4 of the earth is covered with water. 3/4 भाग धरती का किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है. The remaining part of it is land, और बाकी बचा हुआ पार्ट क्या है? लैंड है. Therefore there is more water than land on the earth. तो हमारी अर्थ पर क्या है? ज्यादा पानी का हिस्सा है और लैंड का हिस्सा बहुत कम है. Water is present on earth in the form of, और धरती पर पानी किस रूप में पाया जाता है? नदी, तालाब, झरनों, सागर और महासागर के रूप में. तो रिवर, लेक, सीज, ओशन, इन सबको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम वाटर बॉडीज कहते हैं. वाटर बॉडीज आर होम टू मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों का घर है. जो जानवर पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. तो क्या है वाटर बॉडीज? बहुत सारे जानवरों का घर है. और बड़ी बड़ी जो जहाज होते हैं, शिप्स जो होती हैं, वो कहाँ पर चलती हैं? ओशियंस में चलती हैं. जहाज, पानी के जहाज, वो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हैं. दे मूव थिंग्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सामान के साथ साथ लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाज के थ्रू. द फ्लैट लैंड ऑन द साइड ऑफ रिवर आर कॉल्ड रिवर बैंक, और नदी के जो साइड का जो फ्लैट लैंड होता है उसे रिवर बैंक कहते हैं. रिवर बैंक बहुत अच्छा होता है किसके लिए? कृषि करने के लिए, अनाज उगाने के लिए. Now we will learn about air. Air मतलब हवा. हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है. सभी जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को और इंसानों को शुद्ध हवा की आवश्यकता पड़ती है. The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. All living beings need air to live. सभी लिविंग बींग्स को जीने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए. और हमारी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर जो डिफरेंट लेयर्स है किसकी? हवा की, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच देयर इज लाइफ, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर क्या है? जीवन है. ह्यूमन ब्रीथ एयर, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर. इंसान सांस लेता है, जीव, जितनी भी लिविंग थिंग्स है सब सांस लेती है, लेकिन हवा के बिना सांस लेना
संभव नहीं है. नाउ टाइम टू हैव लुक ओवर. वी लिव ऑन द अर्थ. हम धरती पर रहते हैं. द अर्थ हैज लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट. वेरियस टाइप ऑफ लैंड फाउंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड लैंडफॉर्म. All desert have in common is that they are airy and dry. About 3/4 of the earth is covered with water. धरती का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है. The earth is surrounded by a layer of air. Now we have to do some exercise. Exercise 1. Choose the correct option. सही option को चुनिए. The land between hills or mountain is called, वो जमीन जो hills और mountain के बीच में होती है उसे क्या कहते हैं? Valley, lake, desert या island. तो correct option है valley. Number 2, the earth is our, earth क्या है हमारा? School, class, home या temple. तो correct option है home. Number 3, flat lands are called, flat lands को क्या कहते हैं? Hill, plateau, plain या none of these. उसे हम प्लेन्स कहते हैं. नाउ एक्सरसाइज बी. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. खाली स्थान भरिए हेल्प बॉक्स की मदद से. हिल्स हैव अ प्लीजेंट. हिल्स पर क्या होता है? बहुत प्लीजेंट क्लाइमेट. हम यहां लिखेंगे CLIMATE क्लाइमेट. अ मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ. अर्थ के मॉडल को क्या कहते हैं? उसे हम ग्लोब कहते हैं. GLOBE globe. A piece of land surrounded by water on all sides is called. जमीन का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है उसे हम कहते हैं आइसलैंड. लास्ट द फ्लैट टॉप इज कॉल्ड अ. फ्लैट टॉप को क्या कहते हैं? उसे हम प्लेट्यू कहते हैं. Now exercise C. State whether the following sentences are true or false. कुछ statements दी हुई हैं, आपको बताना है वो सही है या गलत. Number 1, hills are higher than mountain. Hills mountains से higher, ऊंची होती है. Yes, this is true. Number 2, water bodies are home of many animals. बहुत सारे animals का घर होता है water bodies. Yes, this is 100% true. Number 3 and 4, you will do by yourself. So, my dear student, in this video, we have learned about different water bodies and different landforms. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.